देखिए, इस लेक्चर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम सोल कह देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे 12th में, नीट में और जेई में काम आएंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है हेटरोजीनियस नेचर। आप जानते हो कि जो कोलाइडल होता है वो दो चीजों से बनता है, डाईफेजिक होता है, डाईफेजिक सिस्टम होता है। ये बनता है डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन। तो ध्यान रखिए, इसका ये हेटरोजीनियस नेचर होता है ना, ये इन दोनों के मिलने से बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा आता है इसके अंदर, आप देखेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या है कि जैसे आपने मान ली ये कंटेनर है, इसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशन रख लिया, और यहां से एक कन्वर्जेंट बीम, ये पैरेलल आ रही है लाइट, तो कन्वर्ज हो जाएगी। आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल को फोकस पे मिला देता है, ऐसे लाइट चली जाएगी, है ना। तो आप देखोगे यहां एक ब्रूश कोन बन जाएगा। ऊपर से आप क्या करो, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा दो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और जैसे ही इसको आप ऊपर से देखेंगे 90 डिग्री पे रख दिया इसको, तो आप देखोगे यहां एक ब्रूश कोन बन जाए। इसको टिंडल कोन कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। किसकी वजह से ये बनता है, आप देखोगे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो ये बन रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके बीच में हो रही है स्कैटरिंग, बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल एंड लाइट। तो ये इसका मेन कॉज है कि जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर आप नॉर्मल वाटर ले लो या कुछ और ले लो, तो ये नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन ही होना चाहिए, वही ये करेक्टरिस्टिक शो करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे कन्वर्जेंट बीम डालेंगे तो आपने देखा ये ब्लूश कोन बन गया। इससे देखा हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, इसे कहते हैं टिंडल कोन। किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन लिख लिए इसको, लिख दूंगा लिखो, वेना स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए, ये कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लाइट होनी चाहिए, मतलब जो कन्वर्ज हो रही है, खट्टी हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस से मिलेगी। इस पास्ड थ्रू, किसमें से पास कराई गई है, कोलाइडल सॉल्यूशन में, पास्ड थ्रू है ना आ सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ द बीम, पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड। ये जो आप देख रहे हो पाथ है, ये चमकने लगता ब्लूश लाइट चमकने लगा, इल्यूमिनेटेड। इसकी वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ना। लिख लीजिए,
अगला पॉइंट है ब्राउनी मोशन। तीसरा पॉइंट लिखिए ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कुछ भी लिख लीजिएगा, है ना। क्या हुआ था इसमें देखो, एक सर रॉबर्ट ब्राउन हुए, उन्होंने क्या करा, जो पोलन ग्रेन्स होता है उसको कहते हैं पराग के कण, पौधा होता है, तो पोलन ग्रेन्स को आप घर पे उठा के गए सर रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने क्या करा माइक्रोस्कोप में जैसे ही उसको देखा तो देखा भाई इसमें तो जिगजैग मोशन हो रहा है ना। तो सर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, इट इज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन, इसी के नाम पर ये नाम पड़ गया जो आपने पढ़ा। तो इन्होंने देखा जिगजैग मोशन हो रहा ऐसा, ये 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 किस टाइप से मोशन हो रहा है ना, ये जिगजैग मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये होता है ड्यू टू अनइक्वल बम्बार्डमेंट बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल ऑन सोल पार्टिकल। ये ध्यान रखना है किसकी वजह से हो रहा, अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट, ये है इसका मेन कॉज, जिगजैग मोशन जो हो रहा है। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ये सिर्फ हमको केवल दिखाई किसमें दे रहा है, पोलैरिटी सॉल्यूशन में, ना ट्रू में दिखाई देगा ना सस्पेंशन में। तो लिख लो इसके बारे में, लिखो इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, इन्होंने देखा ऐसे सबसे पहले सर रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने इसको सबसे पहले देखा, और कहां पर देखा ये मैंने आपको बताया था, है ना, इन द सस्पेंशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर देखा है, समझ में आ रही है बात, पराग की जो कण होती है पौधे, आपने फूल देखा हो पराग का वैसे, और ये हो क्यों रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। इट इज ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू अनइक्वल बम्बार्डमेंट, ये सही कर लो, अनइक्वल बम्बार्डमेंट बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल ऑन सोल पार्टिकल। सोल पार्टिकल के ऊपर इसकी बम्बार्डिंग होती है, जैसे मान लो दो पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, तीन इधर से आ रहे हैं, अनइक्वल हो गया बम्बार्डमेंट, इक्वल तो नहीं, इसकी वजह से जिगजैग मोशन होता है, ऐसे बना दिया। आ गया समय, चौथी प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। ये क्या करना है आपको, इसमें एक आपने कांच की ट्यूब ले, इसमें एनोड और कैथोड लगा दी, एनोड और कैथोड लगा दी, और इसके अंदर भर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपको मालूम है कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अभी मैंने बताया था। इसमें मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ इसका सॉल्यूशन, तो मालूम है ये पॉजिटिव कोलाइड, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो बताओ पॉजिटिव वाला कोलाइड नेगेटिव की तरफ भागने लगेगा,
या आपने नेगेटिव कोलाइड ले लिया सल्फाइड वाला तो वो पॉजिटिव की तरफ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर कोलाइडल सॉल्यूशन का या कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट इधर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड ये कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लिख लो डेफिनेशन, क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड और कैथोड, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो है ना, अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एनोड कैथोड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर कोलाइडिंग पार्टिकल का मूवमेंट या तो इधर होगा या इधर होगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ भागेगा, अगर इस पर नेगेटिव है तो इधर भागेगा। तो जो मूवमेंट हो रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मान लो ये मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड हो जाए तो इसको एनाफोरेसिस बोलते हैं, एनाफोरेसिस। और अगर ये टुवर्ड्स कैथोड हो जाए तो ये कहलाता है क्या? कैटाफोरेसिस। अगर ये एनोड की तरफ भागने लगे तो एनाफोरेसिस, कैथोड की तरफ भागे तो कैटाफोरेसिस। समझ में आ गए इसके दोनों पार्ट? लिख लीजिए। हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपने क्या करा, एक ऐसी पीएच वैल्यू ली, ये अभी आपने लिया था यहां पर ध्यान होगा यूट्यूब, और यहां एनोड और कैथोड लगा दिया। ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले, इसकी ऐसी पीएच वैल्यू ले लो कि ना तो ये इधर जाए ना इधर जाए, इसका मोशन सीज कर जाए, उस पीएच वैल्यू को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो लिखो द पीएच एट विच सोल पार्टिकल, सोल पार्ट सोल किसे कहते हैं? कोलाइडिंग सॉल्यूशन। सोल पार्टिकल डू नॉट शो एनी मूवमेंट टुवर्ड्स ईदर इलेक्ट्रो, मतलब वो पीएच वैल्यू इस सॉल्यूशन की जिससे ये ना तो इधर जाए ना इधर जाए, इस पीएच वैल्यू को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एग्जांपल, जो ग्लाइसिन होता है उसका पीएच जब इतना होता है 7.1 वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पीएच वैल्यू पे ग्लाइसिन ना इधर जाएगी ना इधर, छोटी छोटी डेफिनेशन है ध्यान रखें। और आगे के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन, कोगुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ध्यान रखिए। क्या होता है कोगुलेशन? जैसे ये आपकी मान लो उंगली, इस पर चोट लग गई, उंगली पे चोट लग गई, इसमें से ब्लड निकल रहा,
और आपने बाहर से क्या करा, इस पर एलम लगा दिया, फिटकरी लगा दी। तो ब्लड जो होता है इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान होगा, जहां पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स बताए थे, नेगेटिव में बताया था ब्लड एंड के लिए नेगेटिव चार्ज होता है, एलम पर होता है पॉजिटिव। अब बताओ ब्लड पे आपने एलम लगाया तो ये दोनों अपोजिट चार्ज में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स मोटी हो जाएगी, है ना, ऐसा लगेगा किसी ने ब्लड के आगे पत्थर रख दिया है, तो ब्लड रुक जाए। तो वो जो इन दोनों के मिलने से चीज क्या हो गई, प्रेसिपिटेट हो गई, हैवी हो गई और नीचे बैठ गई, उसको बोलते हैं क्या, कॉगुलेशन। तो लिखो प्रेसिपिटेशन और सेटिंग डाउन, नीचे बैठ जाना किसका, डिस्पर्स्ड फेस का, इज कॉल्ड कोगुलेशन। इसी को कोगुलेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन हो जाए और या नीचे बैठ जाए, जैसे मैं आपसे कहूंगी पानी, गंदा पानी, तो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, जितनी भी चीजें डस्ट वाली होती हैं, मल्टी पार्टिकल्स हैं, उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, डस्ट पार्टिकल। आप चाहते हो ये पानी साफ हो जाए, तो आप इसमें बाहर से एलम डालो, एलम पे कैसा चार्ज होता, पॉजिटिव। तो बताओ एलम जब इसमें जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव डस्ट पार्टिकल जुड़ जाएंगे और चीज हैवी होके नीचे बैठ जाए, ये डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाए। डस्ट पार्टिकल का मतलब क्या है, डिस्पर्स फेज, वो नीचे आ गया, है ना। कोगुलेट का मतलब है नीचे आ जाए, सेटिंग डाउन या प्रेसिपिटेट हो जाना, यही कोगुलेशन कहलाता है। ये सब इसके एग्जांपल है ना, तो लिख लो कोगुलेशन, लिख लिए। चलिए अब कोगुलेशन का तरीका समझो क्या हो, इसे हटा दें। तो कोगुलेशन का तरीका होता है, आपको बता दें, लिखो पहला तरीका बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया ना मैंने आपको कि आपने इसमें बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया एलम, तो सेटिंग डाउन नीचे बैठ गया, तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट तो आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर ये जो मल्टी पार्टिकल थे पानी के अंदर जो नेगेटिव थे, इनका कोगुलेशन कराने के लिए बाहर से क्या डाला, अपोजिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइट जो आप डालेंगे बाहर से वो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो लिखो The ion having charge opposite to that of colliding particle. Is effective for coagulation. मतलब ये कोलाइडिंग सॉल्यूशन है, कैसा, नेगेटिव है, अब बाहर से आपको इसका अपोजिट चार्ज डालना है, जिससे ये दोनों मिल जाएं, मिलेंगे तो चीज क्या हो जाएगी, हैवी और नीचे बैठ जाएगी, वही होता कोगुलेशन। तो उसके लिए कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे उसका चार्ज अपोजिट होना चाहिए कोलाइडिंग पार्टिकल का, समझ में आ रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति मैदान में आया जिसका हर बार पूछा जाता है, शुल्ज हार्डी लॉ, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसने ये कहा था कि जो बाहर से आप चार्ज मिला रहे हो इसके अंदर अपोजिट, जितना ज्यादा चार्ज होगा, है ना, ये मिलाते हैं जो बाहर से, इसको कहते हैं कोगुलेटिंग आयन,
तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेटिंग आयन पे उतना जल्दी कोगुलेशन हो जाएगा। ये है शुद्ध हार्डनिंग लेकिन हायर द वैलेंसी और चार्ज ऑफ कोगुलेटिंग आयन मतलब जो बाहर से मिलाया गया ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर। जितना ज्यादा चार नंबर से मिलाओगे उतना ज्यादा क्या होगा पॉपुलेशन हो जाएगा चीज नीचे बैठ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो बता देंगे तो ये लॉ है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन ये है आया हुआ ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना इसका सॉल्यूशन इसका कोगुलेशन करवा दिया गया कोगुलेटेड बाय क्या मिलाया इसके अंदर चार आइटम मिला ये है ना अमोनियम फॉस्फेट और मान लो मिला दिया है पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो इसमें इसके अंदर ये चार आइटम मिला दी गई हैं तो आपको बताना है कि कोगुलेटिंग पावर का सीक्वेंस क्या है कौन जल्दी कोगुलेशन करेगा। तो पहले ये बताओ ये सोल कैसा है आपको बताया हाइड्रोक्साइड वाले सोल कैसे होती हैं पॉजिटिव सोल। तो आप इसमें कोगुलेशन के लिए क्या मिलाएंगे अपोजिट चार्ज तो पॉजिटिव सोल है तो इसमें मिलाएंगे बाहर से नेगेटिव तो इसको आप इसका नेगेटिव हिस्सा अलग करते जाओ तोड़ के नेगेटिव हिस्सा अलग कर दो इसको ब्रेक कर लो नेगेटिव चीज बाहर निकाल दो क्योंकि इसका कोगुलेशन ये खुद पॉजिटिव है तो कोगुलेशन होगा नेगेटिव से अपोजिट चार्ज से। तो अभी बताया था शुल्झार्डी ने कि जितना ज्यादा चार्ज होगा इसके ऊपर उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा है। तो आपका आंसर जो है जो ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर क्या होगा सबसे पहले तो यह है सबसे ज्यादा चार्ज जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर। ये सीक्वेंस क्लियर है क्वेश्चन। तो ये खुद पॉजिटिव है याद रखना है फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल होता है पॉजिटिव तो कोगुलेशन के लिए इसमें नेगेटिव मिलाना है तो इसका नेगेटिव निकाल लो। मान लो एक क्वेश्चन और बना देता हूं आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड सोल है आपको मालूम है ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है मालूम मैंने वीडियो में बताया था सल्फाइड और हैलाइड कैसे होती है नेगेटिव इसका कोगुलेशन करवा दिया इससे करवाया चार चीजें आपने ले ली इसके अंदर ये ले लिया ये ले लिया ये ले लिया और ये ले लिया मान अब आप बताओ ये नेगेटिव कोलाइड है तो इसमें कोगुलेशन के लिए क्या मिलाएंगे पॉजिटिव अपोजिट चार्ज तो इस नेगेटिव वाले में पॉजिटिव चेंज पॉजिटिव बाहर निकाल लो इसमें से पॉजिटिव तोड़ के अलग कर लो। अब बताओ शुल्झार्डी क्या कह रहे थे जिस पर ज्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेशन जल्दी होगा तो आपका आंसर क्लियर हो गया। जैसे इसका आंसर क्या था ये था ऐसे ही इसका ये हो गया क्लियर हो गया शुल झाड़ भी लिख लीजिएगा।
गया क्लियर। और ये ध्यान रखें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रीम करके बार बार पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।